मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं तब सीएए के लिए भी जरूर बात करूंगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 70 साल से अटके हुए कई सारे इश्यू, कई सारे प्रश्न जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, राष्ट्र की संवेदना के साथ, राष्ट्र की जनता की इच्छाओं के साथ जुड़े थे, उसको हाथ में लिया है। मुझे बताओ, हजारों की संख्या में आप हो, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? और जोर से बोलो, जो विरोध कर रहा है कांग्रेस पार्टी के लोग, उनके बहरे कानों तक आवाज पहुंचे, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? मित्रों, 5 अगस्त को वो ऐतिहासिक दिन था, हमारा कश्मीर जो हमेशा के लिए धारा 370 के कारण हमसे अलग थलग दिखता था, वो कश्मीर को भारत माता का मुकुट बनी बनाने के लिए 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। और आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बनी बना है। यहां हजारों ओडियावासी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, भाई बताओ, राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब जब राम मंदिर का सवाल आता था, ये कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवाल को टाल देती थी। आपकी कृपा हो गई, मोदी जी को 303 सीटें मिली। नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी संसद के अंदर एक स्टेटमेंट कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का ट्रस्ट बनाकर एक भव्य राम मंदिर का रास्ता खोल दिया है। और मैं आपको बताने आया हूं, कुछ ही दिनों में आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर वही बनेगा जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसकी शुरुआत हो गई। भाइयों बहनों, तीसरा महत्वपूर्ण फैसला दिया है सीएए का। सीएए के लिए ये समस्त विपक्ष, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, बसपा, सपा, ममता दीदी, ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? किसे माइनॉरिटी के नागरिक अधिकार चले जाएंगे? अरे इतना झूठ काहे को बोलते हो? प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, मैंने संसद के फ्लोर पर कह दिया, मैं आज फिर से यहां रिपीट करना चाहता हूं, सीएए से इस देश के एक भी मुसलमान का, एक भी माइनॉरिटी का नागरिकता का अधिकार नहीं जाने वाला है। क्योंकि सीएए नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, नागरिकता देने का कानून है। और नागरिकता किसको देनी है? देश का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद लाखों लाखों लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान रह गए, जो हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, ईसाई थे, ये सारे लोग जो वहां रह गए, उनका उत्पीड़न हुआ, धर्म परिवर्तन किया गया, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा कर दिया गया, उनका निकाह पढ़वा दिया गया, उन पर बलात्कार किए गए, धर्म स्थान तोड़े गए, और ये सारे लोग अपनी समान को बचाने के लिए भारत की शरण में आए, भारत में आए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 70 साल हो गए, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास नागरिकता नहीं है, रहने का घर नहीं है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, वो लोग कहां जाए? उनके मानव अधिकार का क्या? वहां जाते हैं तो धर्म परिवर्तन करते हैं, मार डालते हैं, यहां आते हैं तो नागरिकता नहीं मिलती है। कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता 50 के दशक में बोला है कि जो हिंदू और सिख शरणार्थी आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 27 अलग अलग जगहों पे उनके प्रमुख नेताओं ने वचन दिए हैं, मगर वचन का पालन नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी आए, उनको भी मालूम था कि बदनाम किए जाएंगे हमारी सरकार को, मगर हम
सत्य के लिए कदम उठाते हुए डरते नहीं है। मोदी जी संसद में CAA लेकर आए और लाखों करोड़ों हिंदू सिख बौद्ध जैनों को नागरिकता का तोहफा देने का काम किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये जो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं, परेशान होकर आए हैं, अपने घर की स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए आए हैं, स्वधर्म को बचाने के लिए आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आज ये बड़ी सभा के माध्यम से मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये विपक्ष के लोग भ्रांति फैला रहे, लोगों को उकसा रहे, दंगे करा रहे हैं। CAA के माध्यम से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली, विशेषकर माइनॉरिटी और मुसलमान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक की भी नागरिकता नहीं जानी है। जो प्रताड़ित हुए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है, वो हमारे भाई है, हमारे बहन है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। मोदी जी ने CAA को लाकर वो लाखों करोड़ों लोगों के मानव अधिकार का रक्षण करने का काम किया है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू ने जो वचन दिया था, वो वचन को पूर्ति करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है इससे देश की जनता बाहर आए और जो झूठ फैला रहे हैं उनको सवाल पूछे कि बताओ CAA के कौन से क्लॉज के अंदर, कौन किसी धारा के अंदर नागरिकता लेने का प्रावधान है? कहीं पर नहीं है। ये झूठ को देश की जनता ने जानना चाहिए। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये तय किया है कि 2024 के पहले $5 trillion की इकोनॉमी बनकर हमने दुनिया की प्रमुख 3 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त करना है। कांग्रेस पार्टी 11वें नंबर पर छोड़कर गई थी, मोदी जी 5.5 साल में उसको 5वें नंबर पर ले आए हैं। 70 साल में वो 11वें नंबर पर पहुंचे, मोदी जी ने 5.5 साल के अंदर 6 अंकों का तालिका में बढ़ोतरी किया है। हमारा भारत संपन्न बने, समृद्ध बने, सुरक्षित बने, शिक्षित बने, स्वास्थ्य युक्त बने और गौरवमय बने, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी समर्पित है।